इस्लाम का उरूज व ज़वाल और मुसलमानों का उरूज व ज़वाल ये एक शय नहीं है। इस्लाम के बारे में हुजूर ने फरमाया था, बदा अल इस्लाम गरीबन सयऊदु कमा बदा फतूबा लिलगुरबा। इस्लाम का आगाज तो हुआ था इस हालत में कि वो बहुत ही अजनबी था, कोई उसका जानने पहचानने वाला था ही नहीं। दोबारा अगर से उसके बाद हुकूमत तो आ गई, एक दौर आ गया, इस्लाम का गलबा हो गया, लेकिन अनकरीब इस्लाम दोबारा गरीब हो जाएगा, दोबारा अजनबी हो जाएगा। अनकरीब सयऊद सीन के साथ जब अरबी जबान में फेले मुस्तकबिल बनता है, सौफा वो जरा दूर की बात है, लेकिन सा बस सयऊद अनकरीब वो दोबारा गरीब हो जाएगा। फतूबा लिलगुरबा, तो मुबारकबाद और तहनियत है उन लोगों के लिए जो इस्लाम की गुर्बत के दौर में खुद भी गरीब हो जाए, खुद भी अजनबी हो जाए। लोगों ने दखियादूसी कहे, ये अभी तक चिमटे हुए हैं सुन्नत रसूल के साथ, ये अभी तक उन्हीं चीजों के लिए दखियादूसी लोग हैं। ये सारे फिक्रे उन पर सुस्त किए जाए, वो बर्दाश्त करें, लेकिन यह कि इस्लाम का दामन हाथ से न छोड़े। लेकिन इस्लाम का उरूज खिलाफत राशिदा, और वहीं से जवाल शुरू हो गया। 1400 बरस मुसलसल जवाल के इस्लाम को दोबारा उरूज हासिल नहीं हुआ। हाल ही के वह दो अशार 100% एप्लीकेबल है, पस्ती का कोई हद से गुजर ना देखे, इस्लाम का गिरकर ना उभर ना देखे, माने न कभी के मध्य है हर जज्र के बाद, दरिया का हमारे जो उतर ना देखे। इस्लाम का तो उरूज फिर नहीं आया, फिर वो खिलाफत राशिदा तो आज तक कायम नहीं हुई, फिर एक मुकम्मल दीन निजाम की हैसियत से तो दुनिया में कहीं नहीं आया। हां मुसलमानों की बड़ी बड़ी सदशतवत शौकत, उनका दबदबा, उनका रोब, उनकी हुकूमत रही है, उसमें यह है कि दो उरूज आ चुके हैं, दो जवाल आ चुके हैं। मुसलमानों का पहला उरूज था इस्लाम और मुसलमानों का साथ साथ, हुजूर का दौर खिलाफत राशिदा, यहां इस्लाम और मुसलमान साथ साथ जा रहे हैं। इसके बाद इस्लाम का तो जवाल शुरू हो गया, मुसलमानों का उरूज जारी रहा, दौरे बनू मैया और उसकी फतूहात, दौरे बनू अब्बास और उसकी फतूहात, रूए अर्जी की अजीम तरीन सल्तनत बनू अब्बास की, तहजीब तमद्दुन उलूम फनून इल्म रोशनी, फिर उधर इधर से बनू मैया का खत्म हुआ, चिराग गुल हुआ, तो उधर चिराग जो है उमैया का रोशन हो गया स्पेन के अंदर हस्पानिया में। ये सारा दौर अरबों का उरूज जारी है, मुसलमानों का उरूज जारी है, अगरचे इस्लाम का जवाल खिलाफत राशिदा के साथ ही शुरू हो चुका। फिर एक वक्त आया कि मुसलमानों का भी जवाल आ गया। पहले क्रूसेडर्स ने आकर पिटाई की और बहुत पिटाई की, 1099 में यरूशलम जो फतह किया उन्होंने, तो जिस कदर कुछ तो खून किया है, जितना कत्ले आम किया है, खुद जो यूरोपियन मुअर्रखीन है वो भी शर्माते हैं उसका जिक्र करते हुए। सारा मेडिटेरेनियन का इलाका उन्होंने फतह कर लिया था और तहस नहस कर दिया था। खैर उसको तो 88 बरस के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने वापस ले लिया, लेकिन फिर अगली सदी में जो तूफान आया है तातारियों का, करोड़ों मुसलमान कत्ल हुए, करोड़ों। 1258 में सकूते बगदाद और खिलाफत बनू अब्बास का टिमटिमाता हुआ चिराग रोशन, मुस्तासिम बिल्ला को घसीट कर महल से निकाला, जानवर की एक खाल के अंदर लपेटा और तातारियों ने अपने घोड़ों के सुमो तले कुचल दिया। और शेख सादी ने कहा, आसमारा हक बवद गर खूब इबारत बर जमीन बर जवाल मुल्क मुस्तासिम अमीर मोमिनीन। ये अरबों का जवाल, और नोट कर लीजिए प्लीज, उस वक्त से अरब उम्मत मुस्लिमा की क़यादत से माजूल कर दिए गए, आज तक माजूल है। दोबारा उरूज मुसलमानों को हुआ, लेकिन वो एक मौजज़ा, जिन तातारियों ने करोड़ों को मारा था मुसलमानों को, वही ईमान लिया, उन्होंने मुसलमानों को कॉन्कर किया था, इस्लाम ने उन्हें कॉन्कर कर लिया।
है आया फितना तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। अब ये तातारी होर्स थे, टर्क्स, इन्हें क्यादत मिली आलम इस्लाम की। तुर्कान तैमूरी हिंदुस्तान में, तुर्कान सफवी ईरान में, तुर्कान सलजूकी मिडल ईस्ट में, तुर्कान उस्मानी का तो कहना ही क्या है। एशिया माइनर से शुरू होकर फिर ये कि तीन बर्रे आजमों पर सल्तनत रोमा की तरह की एक अजीम सल्तनत कायम की है, द ग्रेट ऑटोमान एम्पायर, और खिलाफत भी उन्हें मुंतकिल हो गई। ये जो दूसरा उरूज था ये तुर्कों के जेर क़यादत था, अरबों के नहीं। लेकिन फिर इसका भी जवाल आ गया, इसका जवाल आया यूरोपियन कोलोनियलिज्म के हाथों। आगाज हुआ 1492 में सुकूत ग्रनादा, फॉल ऑफ ग्रनादा, उसके बाद 1498 में राउंड द केप ऑफ गुड होप, रास्ता तलाश कर लिया वास्को डी गामा ने, और ये सैलाब जो है कॉलोनियल सैलाब आ गया हिंदुस्तान, जजायर शर्कुल हिंद, ये सारा आज का इंडोनेशिया, मलाइशिया, हिंदुस्तान, ये सब के सब जो है फतह होते चले गए, जिसका क्लाइमैक्स था इस सदी के, पिछली सदी के आगाज में, अब 21वीं सदी है, 20वीं सदी के आगाज में पहली जंग अजीम के बाद तमाम आलम इस्लाम यूरोपीय हुकूमतों के जेर नगी आ गया। तो ये नोट कर लीजिए कि इन 1400 सालों में उम्मत मुस्लिमा का एक उरूज, फिर एक जवाल, फिर एक उरूज, फिर एक जवाल, लेकिन इस्लाम एक ही उरूज था, उसके बाद से मुसलसल जवाल है।